वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर आज मैं बात करूंगा टॉप फोर मोस्ट पावरफुल 5G स्मार्टफोन्स के बारे में अंडर रुपीज 20,000। दोस्तों इस टाइम पर फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है। कुछ टाइम बाद आपको साल की सबसे बड़ी सेल्स देखने को मिलेंगी, जहां पर स्पेशली स्मार्टफोन्स और आईफोन्स पर ह्यूज डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स मिलने वाले हैं। अगर आप कोई न्यू स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हो या अपग्रेड करना चाहते हो तो ये परफेक्ट टाइम होता है अपग्रेड करने का, बिकॉज इस सेल के दौरान आपको काफी सारे बैंक ऑफर्स, डिस्काउंट्स एंड एक्सचेंज ऑफर्स मिल जाते हैं, जिनके थ्रू आप काफी सारा पैसा सेव कर सकते हो। इस चीज को साइड में करते हो और आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो गाइस मिड रेंज सेगमेंट मतलब 20,000 प्राइस सेगमेंट, ये जो कैटेगरी ना ये अभी काफी ज्यादा पॉपुलर कैटेगरी बन चुकी है। इस सेगमेंट में आपको बहुत सारे स्मार्टफोन्स ऑलरेडी मिल जाते हैं, बट उतना ही कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। इस वीडियो के थ्रू आपको एक बेटर आइडिया मिल जाएगा कि फिलहाल 20,000 सेगमेंट में आपने किस फोन को पिक करना चाहिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होगी, सो बने रहिए। बट गाइस सर आप एक छोटा सा काम कर सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि ये एकदम फ्री है, सो प्लीज कर लीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहले डिवाइस की जो आता है मेरी लिस्ट में वन प्लस की तरफ से, वन प्लस नोट C3 लाइट 5G। ये प्रीमियम ब्रांड की तरफ से मिड रेंज सेगमेंट में डिसेंट सा फोन है। प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छे खासे स्पेक्स मिल जाते हैं। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है। इस फोन के अंदर कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 695 ऑफर किया गया है। 5G कैपेबल है, 6 NM पर आता है, 4,00,000+ अंतर स्कोर आता है। बजट के अकॉर्डिंग ठीक ठाक गेमिंग कर सकते हो, बट इसके कुछ डिसएडवांटेज है, लाइक ये डिस्प्ले के अंदर HDR सपोर्ट नहीं करता और ना ही 4K सपोर्ट करता है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 दिया गया है, जो कि ऑक्सीजन OS 13.1 पर बेस्ड है। LPDDR4X RAM और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा। अगर दोस्तों बाकी फीचर्स की बात करूं तो इस फोन में 6.72 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर पंचोल, 120 हर्ट्ज फास्ट रिपीट सपोर्ट करता है और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा। डिस्प्ले क्वालिटी ठीक ठाक मिलती है, बट याद रखना ये 8-bit पैनल है। बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलता है विद ग्लॉसी फिनिश, बट ये आपको प्रीमियम फील होगा। इसमें ट्रिपल कैमरास दिए गए, प्राइमरी लेंस 108 मेगापिक्सल दिया गया है, जो सैमसंग के HM6 सेंसर के साथ आता है। साथ में 2 का डेप्थ और 2 का मैक्रो लेंस मिलेगा, बट इसमें अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक और फ्रंट दोनों कैमरे से फुल HD 1080p 30fps पर वीडियो निकाल सकते हो। देखो कैमरे से आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, डिसेंट कैमरा क्वालिटी मिलती है प्राइस के हिसाब से। इसमें 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो कि 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट इन द बॉक्स अडेप्टर 80W मिलेगा। बाकी इसमें 3.5mm जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स और 8GB तक वर्चुअल रैम भी एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है और इस फोन की प्राइस है फिलहाल 19,999, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर ये स्मार्टफोन ओनली 17,999, 18,000 रुपए में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है इन्फिनिक्स की तरफ से, इन्फिनिक्स GT10 Pro 5G। कुछ टाइम से देखा जाए तो इन्फिनिक्स बजट और मिड रेंज के अंदर बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। ये इन्फिनिक्स का वैल्यू फॉर मनी फोन है, परफॉर्मेंस टॉप नॉच मिलती है। 8+256GB बेस ब्रांड से आता है और इसके अंदर मीडिया टेक डायमेंसिटी 8050 ऑफर किया गया है, जो एक 5G कैपेबल CPU है, ओनली 6 NM पर आता है। इसका अंत स्कोर 6,50,000+ आता है। तो आप यहां से मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, 60fps पर रन कर पाओगे। 14 5G बैंड्स को ये सपोर्ट करता है, जिससे आपको फ्यूचर में 5G के रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 मिलता है, जो कि XOS 13 पर बेस्ड है। LPDDR4X RAM और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप मिलेगा। अगर दोस्तों बाकी फीचर्स की बात करूं तो इसके अंदर 6.67 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर पंचोल, 120 हर्ट्ज फास्ट रिपीट रेट सपोर्ट करता है। सिक्योरिटी के लिए अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 900 हर्ट्ज ब्राइटनेस, 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट और ये HDR10 सपोर्ट करता है। डिस्प्ले गेमिंग के लिए बेस्ट है। बैक साइड में ग्लास मिलेगा विद मैट फिनिश, ये बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। इन्फिनिक्स ने इसको स्पेशली नाम दिया है साइबर मेका। इसमें ट्रिपल कैमरास मिल जाते हैं, प्राइमरी लेंस 108 मेगापिक्सल दिया गया है, साथ में 2 का डेप्थ और 2 का मैक्रो लेंस मिलेगा, बट अगेन अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। इसके रियर कैमरे से 4K 30fps और सेल्फी कैमरे से 2K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps पर। कैमरा फीचर्स जबरदस्त मिलते हैं, बट प्राइस के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस जो कैमरा का है ना वो आपको डिसेंट सा मिलता है। इसमें 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 45W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें 3.5mm जैक, 12 स्टीरियो स्पीकर्स और IP53 की रेटिंग मिलती है। तो ये 8GB रैम प्लस 256GB स्टोरेज के साथ आता है और इस फोन की प्राइस है फिलहाल 20,999, बट सेल के दौरान आप इस फोन को 18,999, 19,000 रुपए में डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्मार्टफोन आता है मोटोरोला की तरफ से, मोटो S40 नियो 5G। मोटो ने इसको रिसेंटली लॉन्च किया है और ये सेगमेंट का वन ऑफ दी बेस्ट ऑलराउंडर फोन है। कुछ ऐसे स्पेक्स मिलते हैं जो किसी दूसरे फोन में नहीं मिलते। 8+128GB बेस ब्रांड से आता है और इसके अंदर मीडिया टेक डायमेंसिटी 7030 ऑफर किया गया है, जो इस CPU के साथ आने वाला ये वर्ल्ड फर्स्ट फोन है। न्यू चिपसेट है, 6 NM पर आता है और इसका अंत स्कोर 5,00,000 के ऊपर आता है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया मिलेगा, मीडियम टू हाई सेटिंग्स पर गेमिंग कर सकते हो, टॉप नॉच परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस मिलेगा नो डाउट। इसमें आउट ऑफ द
फायरफॉक्स एंड्रॉइड 13 दिया गया है जो कि माई यूएक्स पर बिल्ट है। LPDDR4X रैम और UFS 2.2 स्टोरेज टाइप मिलेगा। दोस्तों अगर बाकी फीचर्स की बात करूं तो इसमें 6.55 इंच का फुल HD प्लस कर्व्ड POLED डिस्प्ले दिया गया है विद सेंटर पंचोल, 144 हर्ट्ज के फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, 1300 ब्राइटनेस और HDR10 प्लस सपोर्ट मिलता है। आई थिंक 144 हर्ट्ज कर्व्ड POLED पैनल अंडर 20K फर्स्ट टाइम ऑफर किया गया है। बैक साइड में व्हीकल लेदर डिजाइन मिलता है। इसका सेकंड वेरिएंट PMMA फिनिश के साथ मिलेगा। इसमें डुअल कैमरास मिल जाएंगे। प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल दिया गया है विद OIS, साथ में 13 का अल्ट्रा वाइड मिलेगा। फ्रंट साइड में 32 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके रियर और फ्रंट दोनों ही कैमरे से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो 30 FPS पर। इसका कैमरा परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से बेस्ट है। बेस्ट कैमरा क्वालिटी मिलती है। यहाँ पर 5000mAh की बैटरी मिल जाएगी जो कि 68W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं डॉल्बी एटमॉस के और IP68 की रेटिंग भी दी गई है। तो ये 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है फिलहाल 2099, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर ये फोन आपको 19999 20,000 रुपए में डेफिनेटली मिल जाएगा। तो फाइनली नेक्स्ट और लास्ट स्मार्टफोन आता है Redmi की तरफ से, Redmi K50i 5G। ये मिड रेंज सेगमेंट में फ्लैगशिप परफॉर्मेंस ऑफर करता है। मैं इस फोन को स्पेशली गेमिंग यूज को रिकमेंड करूंगा बिकॉज इस सेगमेंट में इससे अच्छा गेमिंग फोन आपको नहीं मिलेगा। 6 प्लस 128GB बेस प्लान से आता है और इस फोन के अंदर MediaTek Dimensity 8100 फ्लैगशिप CPU मिलेगा। 5G कैपेबल है, ओनली 5nm आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, काफी ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट, 90 FPS स्मूथ पर गेमिंग कर सकते हो। इसका अंतत स्कोर 8.5 लाख प्लस आता है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको टॉप नॉच मिलेगा, फ्लैगशिप गेमिंग कर सकते हो। और LPDDR5 रैम UFS 3.1 स्टोरेज टाइप भी मिलता है। इसमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 दिया गया है जो कि MIUI 13 पर बेस्ड है। अगर दोस्तों बाकी फीचर्स की बात करूं तो इसमें 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा विद सेंटर पंचोल, 144 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है। डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास पाइप प्रोटेक्शन, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, HDR 10 प्लस सपोर्ट और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिलता है। डिस्प्ले गेमिंग के लिए नो डाउट टॉप नॉच मिलता है, बट कंटेंट वॉचिंग के लिए डिसेंट है। साइड में पॉलीकार्बोनेट डिजाइन मिलेगा विद मैट फिनिश। इसमें ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल मिलता है, साथ में 8 का अल्ट्रा वाइड और 2 का माइक्रो लेंस मिलेगा। फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग सेल्फी दी गई है। इसके बैक कैमरे से 4K 30 FPS और सेल्फी कैमरे से 1080p 30 FPS पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी डिसेंट मिलती है। यहाँ पर 5080mAh की बैटरी दी गई है जो कि 67W की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बाकी इसमें XLR रिमोट, 3.5mm जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर्स विद डॉल्बी एटमॉस और लिक्विड कूलिंग मिल जाती है। तो ये 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है जिसकी प्राइस है 2099, बट इंक्लूडिंग बैंक ऑफर ये फोन आपको अंडर 20K डेफिनेटली मिल जाएगा। तो वैसे थे टॉप पावरफुल फोन अंडर 20K ऊपर। तो वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।